Good morning everyone, my name is Rohit Singh. I am your assistant teacher and I take classes in St. Mary's School, Dalton Bridge, Palambu, Jharkhand. I am from Jharkhand. So we have already started a new series of quick revision and we are studying chapter 2 of history, nationalism in India. And we have already discussed the Gandhi-Irwin Pact in the last video. And today we are going to study about how participants saw the movement. यानी आज हम लोग पढ़ाई करेंगे कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में कौन कौन लोग थे जो पार्टिसिपेट किए थे. यानी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थोड़ा ध्यान से ना और बहुत शॉर्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है, तो ध्यान देना. पार्टिसिपेंट में आपको पांच ही नाम याद रखना है. पीजेंट्स में तो रिच एंड पुअर हमने लिख दिया अलग से, यानी किसान जो रिच होते हैं उनके पास ज्यादा जमीनें होती हैं और पुअर जो गरीब होते हैं. अगले पार्टिसिपेंट से याद रखना है आपको इंडस्ट्रियलिस्ट यानी उद्योगपति बिजनेसमैन और दूसरे वहां काम करने वाले वर्कर्स. और लास्ट पांचवा याद रखना है आपको विमेन यानी कि हमारे देश की औरतें. क्या है शुरू करते हैं, चलिए देखते हैं. तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में रिच फार्मर्स बुक में लिखा हुआ है कि द पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, उनका क्या मोशन था, क्यों उन्होंने पार्टिसिपेट किया, पहले इसको समझ लीजिए. उनके पास बहुत सारी जमीनें थी, बहुत एरिया था, वो लोग लैंडलॉर्ड थे, कह सकते हैं जमीनें काफी हैं, रेवेन्यू भी ज्यादा देना पड़ेगा अंग्रेजों को. लेकिन एग्रीकल्चरल प्राइसेस के, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के जो प्राइस थे वो फॉल हो चुके थे. हम लोग वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन में भी इस टॉपिक को पढ़े. यानी कि उन लोगों के जो भी प्रोड्यूस हुआ करते थे, चाहे वो धान हो गेहूं हो, उसका उचित दाम उन लोगों को मिल नहीं रहा था. अब पैसा मिल नहीं रहा है लेकिन अंग्रेजों को तो देना है, समस्या प्रॉब्लम. और जहां प्रॉब्लम होगा तभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे. तो ध्यान से सुनिएगा कि इन लोगों, ये जो रिच फार्मर्स थे, ये पहले अंग्रेजों के पास गए. जीव जूरी किया कि साहब हमारा रेवेन्यू को माफ कर दीजिए लेकिन अंग्रेजों के कानून में जू तक नहीं देंगे, भागो यहाँ से. फिर इन लोग, ये लोग जो है हमारे देश के महात्मा गांधी जी के शरण में लग जाते हैं रिच फार्मर्स, और बोलते हैं कि हम लोग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं क्योंकि रेवेन्यू बढ़ाते जा रहे हैं अंग्रेज और हमारे पास पैसा नहीं है कि हम रेवेन्यू दे सके. सीधा यही मकसद था इनका. तो उन लोगों ने पार्टिसिपेशन किया अपना सिविल डिसओबीडियंस. इन लोगों ने किया रिच फार्मर्स. याद रखिएगा इनका स्ट्रगल किसके अगेंस्ट था, स्वराज का मतलब इनके लिए क्या था, इंक्रीज इन द हाई रेवेन्यू, स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू, ये ध्यान में रखिएगा. अब चलते हैं पुअर फार्मर्स की तरफ. इनको टीनेंट्स कहा जाता है, स्मॉल फार्मर्स. तो भैया हमको बताया है आपको कि रिच फार्मर्स के पास बहुत सारा ज्यादा जमीनें होते हैं लेकिन पुअर फार्मर्स के पास तो जमीन है नहीं, ये लैंडलेस है या बहुत कम जमीन इनके पास है. तो पुअर फार्मर्स करते क्या है कि ये बड़े किसानों से जमीन रेंट पे लेकर के खेती किया करते हैं. रेंट तो आप लोग जानते ही हैं कि हमने किसी से कोई चीज, जैसे किसी कोई किसी के घर में रेंट पे रहते हैं तो रेंट चुकाना पड़ता है. तो जमीन किसकी, रिच की, उसको रेंट पे लेकर के खेती कौन कर रहे हैं, पुअर फार्मर्स. तो भाई रेंट तो ये मांगेगा ना रिच फार्मर, लेकिन पुअर का भी कोई सेम समस्या था, इनके लिए भी रेवेन्यू बढ़ा हुआ था और इनको रेंट भी देना था, तो इनके पास डबल प्रॉब्लम हो गया गरीब किसानों के पास. तो स्मॉल टेनेंट्स कल्टीवेटिंग लैंड दे हैड रेंटेड फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स, यानी वो वहां खेती किया करते थे जो जमीन उन्होंने लैंडलॉर्ड से रेंट पे लिया हुआ था. दे स्ट्रगल टू पे रेंट, अब अनाज तो हुआ लेकिन उसका दाम ही नहीं मिलता, तो रेंट कहां से चुकाएगा भैया. आगे कांग्रेस डिडंट सपोर्टेड देयर नो रेंट कैंपेन, उन्होंने कैंपेन चलाया गरीब किसानों ने, नो रेंट, रेंट कैंपेन, लेकिन कांग्रेस ने इस कैंपेन को सपोर्ट नहीं किया. इसका एकमात्र कारण था क्योंकि ये लोग रेडिकल मूवमेंट चला रहे थे, यानी कि गरीब किसान वायलेंट हो गए थे, हिंसक हो गए थे. ये बड़े बड़े किसानों के घर अटैक कर दिया करते थे, जो अनाज था उसको लूट लिया करते थे और कांग्रेस को तो चाहिए था मौका दे दिया इन्होंने. और इस मौके के चलते गरीब किसानों को कांग्रेस का समर्थन नहीं मिला. तो भाई वो देखिए हम लोग रिच और एक पुअर, रिच ने सपोर्ट किया, इनका मोशन क्या था, हाई रेवेन्यू, और गरीब ने सपोर्ट नहीं किया. कारण यह था कि इन्होंने जो कैंपेन चलाया था नो रेंट कैंपेन लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, कांग्रेस ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया इनको, क्योंकि इन्होंने जो चलाया था मूवमेंट वो रेडिकल हो चुका था, यानी वायलेंट हो चुका था. बच्चों अब हम लोग देखते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट्स के बारे में, कांग्रेस के बड़े बड़े उद्योगपति आज भी हैं, पहले भी थे. हुआ क्या था, वर्ल्ड वॉर वन के टाइम जो ब्रिटिश कंपनियां गुड्स बना बना कर इंडिया में भेज रही थी, फॉरेन गुड्स जिसका हम लोग बायकॉट कर रहे थे, वो ब्रिटिश कंपनियां बिजी हो गई थी अपना वर्ल्ड वॉर के लिए. या कह सकते हो जिस भी देश में वॉर होता है, लड़ाई लगता है जो देश, उस देश में होता क्या है, इंडस्ट्री जो होती है उनका कह सकते हो कि डाउनफॉल होता है, या इंडस्ट्री सामान बनाती भी है वॉर के लिए बनाती है.
तो इंडिया का मार्केट पूरी तरह से सुना हो गया, खाली हो गया। हुआ क्या कि जो ब्रिटिश गुड्स इंडिया में आता था वो अब आ नहीं रहा था, वहां की इंडस्ट्रीज वर्ल्ड वार वन में बिजी हो गई। तो हमारे देश के उद्योगपतियों को, इंडस्ट्रीज को मौका मिला आगे बढ़ने का, और हमारे देश के उद्योगपतियों ने क्या किया, गुड्स बना बना करके हम इंडियंस को बेचा और खूब प्रॉफिट कमाया, खूब पैसा कमाया वर्ल्ड वॉर के समय में। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, जो वहां की इंडस्ट्रीज लगी हुई थी वर्ल्ड वॉर में, वो अब उनका काम पूरा हो गया, अब वो गुड्स बना करके फिर से इंडिया में भेजते हैं। यानी अब इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को सामना करना पड़ रहा था डायरेक्टली फॉरेन गुड्स का। अब विदेश से गुड्स बन के आएगा, हम भी वही बनाएंगे, कॉम्पिटिशन, और कॉम्पिटिशन में लोग किसका कर देंगे भाई, फॉरेन गुड्स सस्ते पड़ते हैं, बढ़िया क्वालिटी के होते हैं, लोग उनको उनका गुड्स खरीदने लगे। तो इंडस्ट्रियलिस्ट का यही कह सकते हैं आप मौका था, या कह सकते हैं कि उनका रीजन था पार्टिसिपेट करने का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। चलिए देखते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स एंड रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज। दो ही रीजंस के चलते इंडस्ट्रियलिस्ट ने सपोर्ट किया था सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। पहला कि बाहर से जो गुड्स आ रहे हैं इंडिया इंपोर्ट कर रहा था, कह सकते हैं हमारे ब्रिटिश का ही गवर्नमेंट था, वो लोग इंपोर्ट करा रहे थे इंडिया में, जिसके चलते कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ रहा था इंडियन इंडस्ट्रीज़ को, और उनका लॉस हो रहा था, हैवी लॉस हो रहा था। इसके कारण ये लोग विरोध कर रहे थे, किसके कारण, अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज। इसका मतलब समझना, स्टर्लिंग पाउंड वहां का फॉरेन करेंसी है, इंडिया का रुपीस, धीरे धीरे उसका वैल्यू बढ़ रहा था, रुपीस का वैल्यू कम हो रहा था, इसके चलते भी प्रॉब्लम्स आ रहा था इंडस्ट्रीज़ को। तो इंडस्ट्रियलिस्ट का मेन यही रीजन था पार्टिसिपेट करने का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब आगे देखिए, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल कॉमर्स कांग्रेस इन 1920। दो तरह के बनाए गए इंडिया में ऑर्गेनाइजेशंस ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए। पहला इंडियन इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल कांग्रेस, इसको बनाया गया 1920 में, और फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इसको किया गया 1927 में, और फिक्की आज भी काम करता है ट्रेड के लिए, कॉमर्स के लिए, ये ध्यान में रखिएगा। फिक्की जो है वो आज भी मौजूद है, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इसको कहा जाता है। आगे इंडस्ट्रियलिस्ट में कुछ प्रोमिनेंट नाम आते हैं, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड जी डी बिरला, ये लोग प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट थे, यानी बहुत बड़े उद्योगपति थे उस समय के हमारे देश के, इनका नाम ध्यान में जरूर रखना। और जी डी बिरला तो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से याद आ रहा है, सेकंड वाला, दूसरा वाला जिसमें महात्मा गांधी गए थे, उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडिया से इंडस्ट्रियलिस्ट को रिप्रेजेंट करने जी डी बिरला जी भी गए थे, ध्यान रखना, थोड़ा साइड से तुम्हारे सिलेबस में नहीं है लेकिन ध्यान रखना। अब हमने ये देखा कि इंडस्ट्रियलिस्ट ने सपोर्ट किया कांग्रेस को, खूब सारा पैसा दिया, पैसा मिल रहा था, लेकिन जब पहली बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हॉल्ट किया गया गांधी एक्ट के समय, उसके बाद जब फिर से रीलॉन्च किया गया, उस समय इनका सपोर्ट उस तरह का नहीं था, यानी थोड़ा सा इनके सपोर्ट में कमी आ गई थी, क्योंकि भाई ये लोग बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन क्या करते हैं, जहां प्रॉफिट होता है वही पैसा लगाते हैं। पहले तो लगाए पैसा सिविल डिसोबीडियंस की, लेकिन देखा कि गांधी जी का क्या पता कभी वो वापस ले सकते हैं मूवमेंट को, इसलिए दूसरा बार जब लॉन्च हुआ था ये लोग ज्यादा बढ़ के हिस्सा नहीं ले रहे थे, इसको याद रखना। आगे वर्कर्स जो काम करते हैं इंडस्ट्री में, तो भाई ये तो समझ दो कि जैसे सांप और नेवला होता है ना, इसी तरह का वर्कर और इंडस्ट्रीज होते हैं भाई। वर्कर अगर कोई काम कहेगा, जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं, वर्कर्स हमेशा इंडस्ट्रीज के क्या चाहते हैं, लेबर लॉ, यानी कि हमको ज्यादा काम करना पड़े, ज्यादा पैसा मिले, सैलरी मिले, इस तरह की चीजें वर्कर्स चाहेंगे। लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, खूब काम कराना वर्कर्स से, तो दोनों कहीं से मैच नहीं करते हैं। तो अब कांग्रेस के पाले में गेंद थी कि किससे सपोर्ट लेना है, तो कांग्रेस को भाई इतना बड़ा मूवमेंट चला रहा था कांग्रेस पूरे देश में, बिना पैसे का मूवमेंट चलता है क्या, नहीं चलता है, तो कांग्रेस किससे सपोर्ट लिया, इंडस्ट्रियलिस्ट से। इसीलिए वर्कर्स का क्या था, चलो ध्यान देना, They did not participate in large number, यानी बहुत बड़े पैमाने पे वर्कर्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन कुछ जगह एक्सेप्ट फ्यू, कुछ जगहों के लेबर्स का नाम आता है, जैसे नागपुर, छोटा नागपुर, देखो मैच कर रहा है नागपुर महाराष्ट्र में, छोटा नागपुर अपने झारखंड में, और डॉक वर्कर्स यानी जो लोग काम करते हैं शिप्स के पास, वो लोग वैसे वर्कर्स ने किया था। लेकिन इनका क्या मकसद था भाई, वर्कर्स का भी कुछ ना कुछ मकसद होगा, हमने देखा रिच का मकसद हाई रेवेन्यू, पुअर का मकसद रेवेन्यू प्लस रेंट, इंडस्ट्रियलिस्ट का मकसद फॉरेन गुड्स का इंपोर्ट रोकवाना, लेकिन इनका मकसद क्या था, ये गांधीयन आइडिया को फॉलो करते थे। गांधी जी ने कहा वर्कआउट करना है तो हम लोग करेंगे, देश के लिए कर सकते हैं, या गांधी जी के आइडिया से बहुत ज्यादा प्रभावित थे वर्कर्स, और ये लोग बायकॉट ऑफ द फॉरेन गुड्स, इस तरीके से इनका नोशन था सपोर्ट करने का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। कांग्रेस ने क्या किया, क्या इनको सपोर्ट किया कांग्रेस ने, जी नहीं, कांग्रेस ने वर्कर्स को सपोर्ट इसलिए नहीं किया था कि अगर हम वर्कर्स को सपोर्ट करेंगे तो ये बड़े बड़े उद्योगपति हमसे क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, रुष्ट हो जाएंगे,
ये पूरा कहानी ध्यान रखना। अब चलते हैं विमेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान देना। विमेन का पार्टिसिपेशन क्या था भैया 1700 मूवमेंट में, तो औरतें जो थी उन्हें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट, यानी जो रैलियां निकलती थी, मार्च निकलते, उस रैलियों में विमेन्स ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उन्होंने भी नमक बनाया, कानून तोड़ा। नमक बनाने का मतलब क्या होता था, कानून को तोड़ना, और इवन वेंट टू जेल, और जेल में भी गई। एग्जाम्पल देते हैं, गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में हमने तुमको बताया था, सरोजिनी नायडू ने भी पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने भी नमक बनाया था और बाद में उनको भी जेल में। यानी बढ़ चढ़ के कुल मिला के हम देखें तो विमेन्स ने अपना पार्टिसिपेशन दिया था। मूव्ड बाय गांधी जी कॉल, गांधी जी ने एक कॉल दिया, औरतें हमारे देश के घर से बाहर आ गई। सर्विस टू द नेशन एज अ सेक्रेड ड्यूटी, औरतों ने ये माना कि अपने देश की सेवा करना एक पवित्र धर्म है, यानी राष्ट्र सेवा ही हमारा धर्म है। इस विचारधारा के साथ औरतों ने पार्टिसिपेट किया। तो ये पूछता है कि विमेन्स के पार्टिसिपेट करने का क्या मकसद था, क्या रीजन था, तो वो चाहती थी या उनको ये पता था कि देश का सेवा करना, अपने देश का सेवा करना एक पवित्र धर्म है या पवित्र कर्तव्य है। यानी उनका यह मानना था कि राष्ट्र धर्म से बड़ा कुछ और नहीं हो सकता है, इसलिए विमेन्स ने बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। लेकिन सवाल यहां पे आता है कि क्या औरतों को उनका हक मिला? तो जी नहीं, नहीं मिला। जिस स्तर से उन्होंने पार्टिसिपेट किया या जिस भावना से भी किया, उनको उसके हिसाब से न तो कोई पद मिला, न उनको कोई प्रोत्साहन मिला, किसी भी तरह का कुछ भी, किसी भी तरह का कोई भी प्रोत्साहन नहीं मिला। चलो देखते कांग्रेस का क्या नियम था विमेन्स को लेकर के। कांग्रेस वॉज रिलक्टेंट टू अलाउ विमेन टू होल्ड एनी पोजिशन, यानी किसी भी पद पर औरतों को कांग्रेस बैठाना नहीं चाहता था, किसी भी बड़े पावर वाले, अथॉरिटी वाले पद पर। गांधी जी का क्या सोच था फीमेल्स के बारे में, इट वॉज द ड्यूटी ऑफ विमेन टू लुक आफ्टर द होम, यानी औरतों का काम है घर को देखना, बच्चों को संभालना। ये गांधी जी का व्यू था, यानी विमेन ने पार्टिसिपेट किया, गांधी जी के आइडिया में घर से बाहर निकली, ये लोग भी नमक बनाई, कानून तोड़ा, जेल गई, लेकिन इनको जो इनका हक मिलना चाहिए था वो इनको नहीं मिला, क्योंकि गांधी जी का ऐसा मानना था कि औरतों को क्या करना चाहिए, घर को देखभाल करना चाहिए, देश को नहीं। ध्यान रखना इस चीज को। तो पांच पार्टिसिपेंट्स हम लोग देखे। पीजेंट्स में कौन कौन, रिच एंड पुअर। इसके अलावा इंडस्ट्रियलिस्ट में या इंडस्ट्रीज में कौन कौन, इंडस्ट्री ओनर्स एंड वर्कर्स, और लास्ट विमेन। तो पहला रिच फार्मर्स का क्या रीजन था, हाई रेवेन्यू। पुअर फार्मर्स का हाई रेवेन्यू प्लस रेंट। थर्ड इंडस्ट्रियल ओनर्स का क्या था, जो बाहर से गुड्स इंपोर्ट हो रही थी और रूपी स्टर्लिंग का एक्सचेंज रेट जो हो रहा था उसके अगेंस्ट इन्होंने पार्टिसिपेट किया। वर्कर्स जो थे, यानी कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, उन्होंने गांधी जी के आइडिया के हिसाब से स्वराज को अपनाया, यानी बॉयकॉट किया, जो भी गांधी जी का कॉल था, खादी पहनना, ये सब वर्कर्स ने अपनाया। और विमेन्स का क्या रीजन था, इन्होंने देश सेवा को अपना धर्म मान लिया था और धर्म मान करके इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना, ढंग से पढ़ना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।